साथियों, कांग्रेस कैसे जनता से ठगी करती है ये राजस्थान के किसानों से बेहतर कौन समझ सकता है। आप याद कीजिए, राजस्थान में चुनाव से पहले किसानों से क्या वायदा किया गया था, 10 दिन के भीतर सभी किसानों को कर्ज माफी करेंगे, ये गारंटी दी गई थी कि नहीं दी गई थी, मुझे बताइए, ये गारंटी के ढोल पीटे थे कि नहीं राजस्थान के लोग, बताइए, उन्होंने कहा था ऐसा, कहा था, ये गारंटी दी थी। 10 दिन तो छोड़िए, अब तो 5 साल पूरे होने को है। कितने किसानों का वाकई में कर्ज माफ हुआ है ये आप राजस्थान के लोग, मेरे किसान भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं। बीजेपी सरकार किसान के हितों को प्राथमिकता देती है, उनके लिए मेहनत करती है। हम छोटे से छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं ताकि उन्हें बैंकों से आसानी से मदद मिल सके। हम पीएम फसल बीमा योजना लेकर आए ताकि सूखा हो, बाढ़ हो या अन्य प्राकृतिक आपदा हो, किसान के नुकसान की भरपाई हो सके। हमारी नीयत का सबसे बड़ा प्रमाण पीएम किसान सम्मान निधि है। इसके तहत बीजेपी सरकार ने राजस्थान के छोटे छोटे किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा कराए हैं। अब उन्हें खेती से जुड़े छोटे छोटे खर्चों के लिए दूसरों के पास जाना नहीं पड़ता।